हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है और आज का दिन और कल का दिन डाउट्स के लिए रखा है। ठीक है, आज तो मुझे आपके डाउट कम मिले हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज के दिन में आप NCERT एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे और उसके डाउट कल पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए जो दो डाउट्स मुझे मिले हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक बॉडी दे रखी है जिसका मास कितना दे रखा है, 0.4 kg। ठीक है, और वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक है, एंड सच डैट वो 2 revolution per second कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, 2 चक्कर 1 second में काट लेती है। ये रेडियस इस वर्टिकल सर्कल की कितनी दे रखी है, 1.2 meter। आपको दो चीज़ बतानी है, टेंशन एट दी टॉप ऑफ द सर्कल एंड टेंशन एट दी बॉटम ऑफ द सर्कल। जब ये बॉल या फिर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ जाएगा तो टॉप पोजिशन है, तो इस समय पर रस्सी में क्या तनाव होगा वो आपको बताना है, और जब ये इस तरीके से घूमता घूमता इस लोकेशन पर आएगा तो उस समय रस्सी में क्या तनाव है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले टॉप पोजीशन को देखते हैं। अगर आप टॉप पोजीशन पर उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, mg नीचे की तरफ और रस्सी में तनाव भी नीचे की तरफ, क्योंकि जो टेंशन होती है वो अवे फ्रॉम दी बॉडी लगती है। ठीक है, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर। अब आप देखो कि दोनों सेंटर की तरफ हैं, तो मतलब इन दोनों की वजह से आपको क्या मिलने वाला है, सेंट्रिपिटल फोर्स मिलने वाला है। मतलब इन दोनों का सम mg + t आपको प्रोवाइड करवाएगा क्या, mv² / r। जिस भी लोकेशन पर आपको से पूछे उस लोकेशन पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, नेट फोर्स इनवर्ड देखिए और उसको किसके बराबर रख दीजिए, mv² / r के। ठीक है, देखो वी वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब ओमेगा देखो, ओमेगा क्या होता है, 2π/T। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल कवर किया, कितने टाइम में कवर किया। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब ये 2 चक्कर काटेगा, तो 1 चक्कर काटता तो 360 डिग्री कंप्लीट करता, समझ आई बात आपको। तो 2 चक्कर काटेगा तो कितना एंगल कवर किया, 2 × 360 मतलब 720। तो मतलब और अगर मैं एंगल वाइज बात करूँ, ये अगर इसको ऐसे रखो आप, ये ओमेगा क्या होता है, θ/time, कितना एंगल कवर किया, कितने टाइम में कवर किया। अब इस बॉल को देखो आप, ये 2 चक्कर काट रहा है 1 second में, टाइम तो 1 second मिल गया, और 1 चक्कर काटने में कितना एंगल कवर होता है, 2π, तो 2 चक्कर काटने में कितना कवर होगा, 4π। मतलब आपको अल्टीमेटली ओमेगा कितना दे दिया है, 4π दे दिया है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ठीक है भाई, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एंगल मिल जाएगा, कितने चक्कर काटे, 2 चक्कर काटे, 1 चक्कर काटने में एंगल 2π, तो 2 चक्कर काटने में 4π पर सेकंड है, तो टाइम कितना, 1 second। तो अल्टीमेटली ओमेगा मिल गया, और आपको बेसिक नॉलेज भी है v किसके बराबर होता है, v होता है ओमेगा × r के। क्लियर है कि नहीं बात, अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस r का। ठीक है, समझ आई या नहीं यही बात आपको। ठीक है, अब आप देखो ज़रा ध्यान से, ओमेगा मेरे पास है और आर भी मेरे पास है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको। ठीक है, मेरे को टेंशन निकालना, तो टेंशन क्या होगी, mv² / r - mg। ठीक है, m और इस v को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर, क्लियर है बात, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली mω² r - mg निकाल लेना, दिस विल बी योर टेंशन एट दी हाईएस्ट पॉइंट और टॉप पॉइंट। क्लियर है कि नहीं बात, टेंशन एट दी टॉप। ठीक है, वैसे ही जब ये बॉटम में आएगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन t, नेट इनवर्ड फोर्स कितना हुआ, t - mg प्रोवाइड यू व्हाट बेटा, mv² / r। क्लियर है बात, तो इस mg को उधर ले आओ इस बार, mv² / r + mg, और v को किससे रिप्लेस कर दो, ωr से। ठीक है कि नहीं बात आपको, ωr से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ωr² r² आएगा और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो t एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना आ जाएगा, mω² r + mg। क्लियर है कि नहीं बात, सारी वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है। ठीक है, दोनों में वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है बात आपको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, एक मिनट, अरे यार
चलिए दूसरा सो क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, जो बच्चे ने डाउट में भेजा है। मेरे पास एग्जैक्ट जो डाटा था वो तो नहीं है, लेकिन हुबहू सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। वो मोबाइल में एग्जैक्ट डाटा तो, लेकिन मेरे पास हुबहू सिमिलर क्वेश्चन है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक धागा दे रखा है जिसको आपने सीलिंग से अटैच कर रखा है, और धागे से आपने कोई भी एक मास बांध रखा है, ठीक है कि नहीं बात आपको। लेट इसका 200 ग्राम मास है, ठीक है, और ये एक टेबल पर सर्कुलर मोशन को क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। मतलब इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूँगा तो ये इस तरीके से घूमने लग जाएगा, समझ आई बात आपको, ठीक है। मान लो सीलिंग से एक आपने धागे से एक बॉल को बांध रखा है, और वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट अब आप सोच सकते हैं कि कुछ ये लोकेशन, ये पोजीशन होगी उसकी, है ना, समझ आई बात आपको। वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम, ठीक है। इसको हटा, अच्छी तरीके से अलग लिख लेंगे मास को। मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम। टेंशन दे रखी है, सॉरी, इस स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है लेट 130 सेंटीमीटर। क्लियर है बात आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है, और जो ये सर्कल एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है बात आपको। तो आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, और एक चक्कर काटने में वो कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलिए देखो, जो जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, उसका फ्री बोर्ड डायग्राम बना लो। मैं इस मास का फ्री बोर्ड डायग्राम बनाऊंगा। mg ये होगा नीचे की तरफ वेट, और टेंशन कुछ ऐसे लगेगी, हाँ के ना, ठीक है कि नहीं बात, ठीक है। अब क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? मैं निकाल सकता हूँ, मेरे को ये भी पता है और ये भी पता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो जो ये एंगल आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे सर? आप क्या लगा दोगे? साइन थीटा लगा दो आप। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर 50 सेंटीमीटर और ये 130 सेंटीमीटर कट गया, तो साइन थीटा आपका कितना गया, 5/13। और जितना ये थीटा होगा ना, उतना ही ये थीटा होगा, समझो आप बात को। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो ये थीटा होगा, अगर इसको रिजोल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। नोट करें, टी साइन थीटा सेंटर की तरफ है, तो टी साइन थीटा आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एम वी स्क्वेयर बाय आर, और टी कोस थीटा क्या बैलेंस किए हुए है बेटा जी, एम जी को बैलेंस किए हुए है, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो आप, टी से टी मर गया, एम से एम मर गया, है ना। साइन बाय कोस क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, एंड डेट विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी, ठीक है कि नहीं बात आपको। वी स्क्वेयर बाय आर जी, आर आपको पता है 50 सेंटीमीटर है। अगर आप इस ट्रायंगल से देखें भाई, ये आप इसमें टेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हो बेटा। कैसे निकाल सकते हो? टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 50 सेंटीमीटर, और बेस कैसे निकालोगे, ये वाली चीज़। आपको हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकल जाएगा। आप क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर और अंडर द रूट, इसको सोल्व कर लेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और उसको यहाँ पुट कर देना। तो टेंजेंट थीटा को जैसे ही पुट करोगे, आर और जी आपको पता है तो वी निकल आएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, वी को निकाल लोगे, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन थी, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, इस वी स्क्वेयर को यहाँ से पुट कर देना। एम आपको पता है, आर आपको पता है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने आपको आइडिया बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं असंतुष्ट हूँ कि आप लोगों ने डाउट कम भेजे हैं, तो प्लीज़ उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है, वरना सारी जो हमारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और अच्छे डाउट को डिस्कस करूँगा। आप लोग अच्छी डाउट्स के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्शन में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।